आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री की एक महत्वपूर्ण योजना नर्मदा बचाओ के साथ पर्यावरण बचाने की मुहिम में पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के साथ है। आप सभी को समझ आ गया होगा कि यदि पर्यावरण से दूर रहे और उसको नुकसान पहुंचाया तो मनुष्य का जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। इसी कड़ी में आज हर जिला मुख्यालय पर पौधारोपण हुआ। थैंक यू। चलिए अच्छा, एक साल की उम्र होगी उसके बाद तो दिक्कत। आज कितने पौधे लगाने? मुखर्जी को पूरी पन्नी की पन्नी लगा दे, पनपी नहीं हो। देखिए आज 2 जुलाई है, प्रदेश स्तर पर व्यापक वृक्षारोपण हो रहा है और आज उसी तारतम्य में यहाँ पर जो वृक्ष मित्र क्लब है, ये सिंहवासा के किनारे, इनने बड़ा व्यापक वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और आई एम हैप्पी। पिछले बार जो वृक्ष लगाए थे उनमें से काफ़ी वृक्ष, कुछ वृक्ष 4 फीट के हो गए, 5 फीट के हो गए, 6 फीट के हो गए, 2 फीट के हो गए, मतलब लगभग 50-60% वृक्ष सर्वाइव कर गए। उसके लिए मैं पुष्पराग और उनकी टीम को बधाई देता हूँ और सभी शहरवासियों से भी अनुरोध है कि इस बरसात में बड़ी संख्या में वृक्ष लगाएं और ना केवल वृक्ष लगाएं, उनको बड़ा भी करें तो निश्चित ही को एक स्वस्थ और स्वच्छ पर्यावरण देने में सहायक सिद्ध होंगे। जिले भर में कितने पौधे लगाए? लगभग 15, आज तो नहीं लेकिन 10 जुलाई तक 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आज भी लगभग 2-3 लाख पौधे पूरे जिले में लगाए जा रहे हैं। मकसूदनगढ़ में भी पौधारोपण हुआ। इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण किया जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ साथ पत्रकार बंधु भी मौजूद रहे। वीडियो तो बन जा, बीच में आ गई। अरे थोड़ी दूर से आ जाएंगे सब यार, थोड़ी और दूर हो जाओ, दूर से ले लो। अरे कौन नहीं। इस कार्यक्रम में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। आरोन में जयवर्धन सिंह ने वृक्षारोपण किया, साथ ही कहा कि GST गरीबों एवं व्यापारियों के लिए हानिकारक है। GST लागू करने का फैसला कांग्रेस सरकार का ही था, लेकिन उस समय ऐसे कर नहीं लगाए जा रहे थे जो भाजपा सरकार ने GST लागू करने पर लगा दिए हैं। इसके लागू होने के बाद गरीब वर्ग एवं व्यापारी वर्ग को नुकसान उठाना ही पड़ेगा। उक्त उत्तर GST के लागू होने के सवाल पर विधायक जयवर्धन सिंह ने पत्रकारों को दिए। याद रहे, आज सुबह क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह आरोन पधारे नगरपर तहसील के पास। कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवा यादव के नेतृत्व में पुष्प वर्षा एवं माला पहनाकर विधायक का स्वागत किया गया। इसके बाद विधायक सिंह जनपद मैदान में पहुंचे और वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण से होने वाले लाभों से उपस्थित जनों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक वृक्ष लगाना बहुत ही आवश्यक है। वृक्षों की कमी से धरती का संतुलन खराब हो सकता है, इसलिए हम सबको वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद उन्होंने एक शॉर्ट बैठक भी ली जिसमें तालाब मुहिम को लेकर चर्चा की और बेस्ट वेयर के निर्माण को लेकर भी इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई रूपरेखा तैयार करने को कहा। बाद में एक कार्यक्रम में सम्मिलित होते हुए विधायक जयवर्धन सिंह नई मंडी परिसर पहुंचे, जहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी नीरज शर्मा सहित शहर के कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। और उनसे हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। आज कार्यक्रम हुआ, उसके बारे में क्या कहना?
देखिए आज तो वृक्षारोपण पौधारोपण का कार्यक्रम आरो मंडी में हुआ और हम यही प्रयास है कि पूरे आरोन में चाहे वो अपने ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो वहाँ पर अपन और प्लांटेशंस करें, आरोन को और हरा बनाएं और ग्रीन बनाएं और यहाँ पर और सुंदर वातावरण करें। सबसे इसी तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए ग्राम पंचायत एवं शासकीय हाई स्कूल मावन में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य गुना कलेक्टर ने पौधारोपण किया एवं सभी प्रजाति जैसे आम नीम आंवला जामुन जामफल अशोक आदि फलदार पौधों को लगाया। पौधारोपण स्कूल के बच्चों एवं उनके परिजनों के हाथों से करवाया गया। 100% होगा। और ये वाली मिट्टी भी उधर कर दीजिएगा जो रखी ना अपन ने, ये वाली मिट्टी को उधर करवा दो। देखो आराम से नहीं अभी से। हम तो जिलाधीश महोदय के साथ ग्राम मावन गुना विधानसभा में रहे, स्कूल परिसर में पंचायत भवन सेवा में वृक्षारोपण किया, गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया और ये मेरे को सबसे अच्छा लगा गांव के लोगों ने भी भाग लिया। बाकी मुख्यमंत्री जी की आप महती योजना है तो उनकी तो हर योजना महती है, उनकी योजनाओं का कोई किसी के पास उसका विकल्प नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जनता को उसका अनुसरण करना चाहिए। सभी प्रकार के ऐसे प्रकल्प होते पेड़ तो लगाए जाते हैं पर उनका संरक्षण भी बहुत आवश्यक है, उनको पालना पोसना भी बहुत आवश्यक है। ये रस्म अदायगी तो एक सरकार का विभाग का सामाजिक वानिकी करके तो सरकार के करोड़ों रुपया खर्च हो गया। इसको बचाने के लिए क्या संरक्षण के लिए क्या मुहिम छेड़ेंगे प्रशासन की तरफ से जो पौधे लगाए? आप तो कह रहे हैं आप एक पेड़ को गोद ले लेना वहाँ चल कर। ठीक। मुख्यमंत्री के आह्वान में साथ देते हुए लायंस क्लब दृष्टि द्वारा सिंहवासा स्थित स्मृति वन में पौधारोपण किया गया। कलेक्टर गुना राजेश जैन भी इस अवसर पर मौजूद थे। इस अवसर पर क्लब की अध्यक्ष अनीता अग्रवाल, सुनीता विजय वर्गीय, लक्ष्मी शर्मा, मंजू सिंगल, नंदा अग्रवाल आदि उपस्थित रहीं। मिट्टी पुष्पराग इन पे ढलवाओ, मिट्टी ढलवानी पड़ेगी। लो जल्दी से बस इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पारिक ने सबसे पहले नत्थू खेड़ी में गणेश मंदिर के समीप पीपल के वृक्ष लगवाए। यहां उन्होंने वार्ड के बुजुर्गों के हाथों पीपल के पौधों को लगवाया। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी चौहान ने आह्वान किया है, नर्मदा बचाओ यात्रा उन्होंने निकाली है। 140 दिन चली यात्रा में लाखों लोगों ने उसमें भाग लिया। उसी समय उन्होंने संकल्प लिया कि नर्मदा को और पर्यावरण को बचाने के लिए नर्मदा के दोनों किनारों पर जो लोग रहते हैं उनसे आह्वान किया और प्रदेश के सब लोगों से आह्वान किया है कि 6 करोड़ पौधे आज 2 जुलाई के दिन इस पर्यावरण संरक्षण के लिए रोपे जाएंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई ने भी पूरे मंडलों में इस काम की रचना की है। प्रत्येक कार्यकर्ता से भी कहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षों को लगाए और अपने पर्यावरण की सुरक्षा करें, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, समाज बचेगा, विश्व बचेगा। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया है। गुना जिले में 15 लाख पौधों का आज वृक्षारोपण होगा। पंचायत स्तर तक ये काम चलने वाला है।
आप सबको इस पर्यावरण सुरक्षा दिवस के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मुस्लिम समाज एवं फिक्रे मिल्लत टीपू सुल्तान यूथ विंग ने पौधारोपण किया। यार इसमें वो डालने आना पड़ेगा पानी भाई, नहीं तो वो। श्रीनाथ गौशाला ब्रजधाम बजरंगड़ के द्वारा संपन्न की गई कूनो बचाओ यात्रा। इस यात्रा के उद्देश्य में एक अहम उद्देश्य 5,00,000 पौधों को लगाना था। इसी क्रम में आज बजरंगड़ में पौधारोपण किया गया। आज से शुरू है इस पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाई समाज सेवी इंजीनियर ओएन शर्मा ने। आपको बता दें कि ओएन शर्मा पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से कूनो बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीनाथ गौशाला में उक्त पौधारोपण किया जा रहा है। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजेश जैन एवं स्वामी नित्यानंद भी मौजूद रहे। पौधारोपण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए म्याना थाना परिसर में फलदार वृक्षों को लगाया गया। म्याना थाना प्रांगण में गुना ग्रामीण एसडीओपी श्रद्धा जोशी, ट्रैफिक डीएसपी मानवेंद्र सिंह, थाना प्रभारी राकेश गुप्ता, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य और समस्त स्टाफ ने फलदार वृक्षों को लगाकर उनकी देखभाल करने की अपील की। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा किया गया वृक्षारोपण। ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत प्रांगण एवं हायर सेकेंडरी स्कूल और छात्रावास प्रांगण में वृक्षारोपण जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। म्याना से हमारे सहयोगी शैलेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। वृक्षारोपण किया गया आज। आज म्याना थाने में वृक्षारोपण किया गया है जिसमें कि टीआई म्याना द्वारा 50 वृक्षों का पौधों का रोपण के लिए बुलवाया गया था और डीएसपी ट्रैफिक श्री मानवेंद्र सिंह साहब और राज्य महिला आयोग की सदस्य जिला सदस्य श्रीमती नीलम जिंदल भी यहाँ उपस्थित थी और संपूर्ण थाना स्टाफ के साथ और जनता के साथ वृक्षारोपण बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया। कांग्रेस की आंख की किरकिरी बन गए शिवराज सिंह चौहान, बोली ममता मीना। किसान संदेश यात्रा के तीसरे दिन भी कांग्रेस के खिलाफ हमलावर रही विधायक ममता मीना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेती को फायदे का धंधा बनाने में काफी हद तक कामयाबी पाई है। उनकी यही कार्यशैली कांग्रेस पार्टी के नेताओं की आंख की किरकिरी बनी हुई है। यही कारण है कि वह दुष्प्रचार करने में जुट गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र का कोई भी किसान व गरीब परेशान नहीं रहेगा। हम सब मुख्यमंत्री के साथ हों और उनकी विकासवादी सोच की विचारधारा को मजबूत करें। यह बात क्षेत्रीय विधायक ममता मीना ने किसान संदेश यात्रा के तीसरे दिन किसानों को संबोधित करते हुए कही। सुबह 11 बजे क्षेत्र के गाँव बापचा विक्रम से यात्रा शुरुआत हुई जो रूपाहेड़ी रतोदना गेहूं खेड़ी होते हुए शाम 5 बजे बापचा लहरिया गांव पहुंची, जहां तीसरे दिन की यात्रा का समापन हुआ। यात्रा के दौरान विधायक एक एक किसान के घर पहुंची, जहां उन्होंने कृषक परिवारों को किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी दी। सभी के साथ आत्मीयता से मिली विधायक। जैसे ही किसान संदेश यात्रा खेतों की पगडंडियों से होते हुए गाँव में पहुंची, वैसे ही विधायक ममता मीना का स्वागत करने के लिए ग्रामीण लालायत नजर आए। विधायक ने भी आत्मीयता भाव से उनका स्वागत स्वीकार किया। यात्रा के दौरान क्षेत्रीय किसानों से उनकी समस्या पूछती तो महिलाओं से चूल्हे चौके को लेकर चर्चा करती। कई बार ऐसा मौका भी आया जब विधायक एक किसान परिवार की गृहिणी के रूप में नजर आईं। यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीनागंज से शिवम नामदेव की रिपोर्ट। और
हमारे मंडी अध्यक्ष के स्वागत हमारे यहाँ के पटेल साहब कर रहे हैं। अरे हमारी योजना के तहत हर जिले में बीमा दिया जा रहा है, ये किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछली बार सोयाबीन का और ओला पाले का जो बीमा जो मुआवजा दिया गया, ये भी किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना है। इसी तरह से किसान संदेश यात्रा गांव-गांव में जा रहे हैं। अभी बरसात का समय है, अगर बरसात में किसी भी मतलब अगर किसी को भी अगर के द्वारा सता दिया जाए या आकाशीय बिजली गिर जाए, तो ये भी किसान संदेश यात्रा के माध्यम से हम लोग बताए जा रहे हैं कि उसमें पीएम जरूर कराना चाहिए, पुलिस रिपोर्ट कराना चाहिए। अगर बिजली के करंट से अगर किसान की मौत हो जाए, तो आज ये किसान हितैषी सरकार जो किसानों के लिए इतने बड़े निर्णय लिए, आज तक कांग्रेस की चाहे केंद्र में 50 साल सरकार रही हो, चाहे मध्य प्रदेश में 10 साल दिग्विजय सिंह की सरकार रही हो, लेकिन किसान के बारे में अब एक भी अगर योजना अगर उनके द्वारा चलाई गई हो तो वो खुद भी बता दें। अभी जो मंदसौर का जो एक जो आंदोलन को जो किसान आंदोलन नाम दे रहे हैं, जबकि किसान आंदोलन नहीं है। आप शकुंतला खटीक जो विधायक जो एक एक स्वयं विधायक है, वो कह रहे हैं कि थानों में आग लगा दो। क्या हमारा किसान बसों में आग लगा सकता है? क्या हमारा किसान क्या दूध को फैला सकता है? क्या पर जो किसान को नाम को बदनाम, ये कांग्रेस किसान का नाम लेकर ये बदनाम कर रही है, गलत है। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी की अगर शिवराज सिंह जी से कोई लड़ाई है तो वो खुद का नाम लेना, किसानों का नाम क्यों ले रहे हैं? किसान हमारा अन्नदाता है, किसान अनुगाता, परिवार का पेट पालने के साथ साथ पूरा देश का पेट पालता है किसान। इसलिए किसान के नाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। हमारा किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार जितनी योजनाएं चला रही है, कांग्रेस भी अगर एक भी योजना बता दे किसान के हित में, चाहे केंद्र में सरकार रही हो चाहे मध्य प्रदेश में सरकार रही हो, एक भी योजना किसान के हित में कांग्रेस ने चलाई नहीं है। खुद के गले बांध में झांक के देखना चाहिए। ऐसे विधायकों को जो थानों में आग लगाने के कह रही है, जनता में जब वो जनता में भी आग लगवा सकते हैं, ये अपन अपने आप दृश्य अपने सामने, और किसानों के नाम को बदनाम करने की जो साजिश कांग्रेस के द्वारा रची जा रही है, ये किसान ही उस साजिश को तोड़ेंगे कि हमारा नाम बदनाम मत करो किसान। किसान संदेश यात्रा के तीसरे दिन गुना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बारौद, बोहरी, भौरा एवं कामखेड़ा में गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने किसानों को संबोधित किया। साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के किसानों के हित में चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा उनकी समस्याओं को सुनकर हल किया गया। इस अवसर पर बजरंगड़ मंडल अध्यक्ष प्रदीप भट्ट, प्रदेश मंत्री रमेश मालवीय, जिला सोशल मीडिया प्रभारी विकास जैन नखराली, मंडल महामंत्री परमाल सिंह रघुवंशी, अशोक रघुवंशी, देवेंद्र रघुवंशी बूढ़ाखेड़ा, रणधीर रघुवंशी खामखेड़ा, घनश्याम सिंह रघुवंशी, राजदीप सिंह, सुरेश महाराज, दिनेश रघुवंशी, बाबूलाल खजूरी, राम सिंह आदिवासी, सुरेंद्र सिंह रघुवंशी, हरि सिंह रघुवंशी, रघुवीर सिंह भौरा, मिथुन भूरिया सहित ग्रामीण कार्यकर्ता एवं किसान बंधु उपस्थित थे। आपके पहले भी तालाब 40 फुट बन जाना चाहिए, बन जाए। ये गाड़ी का एक पहिया जो सरकार ने चली 40 तालाब स्वीकार किए, तो गाड़ी का दूसरा पहिया पंचायत का कर्तव्य है कि वो इन तालाबों का निर्माण करे, करना चाहिए। अपने गांव में अगर तालाब बनता है तो कम माननीय मुख्यमंत्री की जहाँ पानी पी जाएंगे, तो अपना ये कर्तव्य बनता है सबका कि उन तालाबों को बनवा लें अपन। आज साइंस सिटी के लोगों ने नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा को सौंपा ज्ञापन। लोगों की नाराजगी थी कि उनकी कॉलोनी की कोई सुध नहीं ले रहा है, जबकि चुनाव से पहले कई वादे किए गए थे, जिस पर लोग आक्रोशित होकर नगरपालिका अध्यक्ष के कार्यालय पहुंचे, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि पूरी कॉलोनी अवैध है, फिर भी नगरपालिका से जो बन पड़ेगा वो वहाँ पर करवाया जाएगा। यहाँ उन्होंने यह भी कहा कि कॉलोनाइजर ने कॉलोनियों को तो काट दिया है पर नगर पालिका में कोई भी पैसा जमा नहीं करवाया है। आप
आप लोग आप कल जल सुनवाई में क्लर्क साहब को बताओ कि ये कॉलोनी फला कॉलोनी बेच गया और उसमें रोड नाली नल बिजली हमने कुछ नहीं है। अरे यार तो चुप रहे जरा। हाँ जी, मैं साइंस सिटी कॉलोनी भुल्लनपुरा से हैं। हम सारे नगरवासी यहाँ पर आए हैं श्रीमान जी से निवेदन करने, नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से, कि हम 5 साल से रेगुलर इनके पास आ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। आज तक अभी तक कोई इन्होंने हमारे सड़क के लिए कोई भी है ना आश्वासन ही आश्वासन देते रहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी काम इन्होंने नहीं दिया है, ना ही मुरम डलाई है। हम मुरम के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, महिलाएँ घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, हम अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम कैद खाने में कैद हो गए रह गए हों, मार्केट में नहीं जा पा रहे, इतना परेशान हम हो रहे हैं। मतलब ऐसा रह रहा है हम सिटी से बहुत दूर हो एक जंगल में आके बस गए हों, हम लोग है ना बहुत ज़्यादा इतनी परेशानी में जी रहे हैं, जैसे कि हमारी कॉलोनी को एक अछूत कॉलोनी घोषित कर दिया गया हो और हमारी कॉलोनी किसी भी प्रकार का काम नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों हम लोगों से इतना, इन लोगों ने कहा था हमें वोट दो, हमें जिताओ और हम आपकी कॉलोनी बनवाएंगे, हमने इनके लिए पूरा सहयोग दिया, इनके भाई साहब के लिए पूरी तरह से इन्हें जितवाया, वोट दिया। अब जो पता नहीं हमसे है ना इस तरह का व्यवहार कर रहा है, जो कॉलोनी अवैध है और वोट वैध है, कॉलोनी अवैध है और वोट वैध है, ऐसा कैसे हो सकता है? और आज सारी सिटी पूरा गुना अवैध है, बताइए गोजीपुरा अवैध है, बांस गेड़ी अवैध है, हर जगह रोड डल रही है, लेकिन हमारी कॉलोनी काम करने के लिए वैध हो जाती नहीं होती। तो ये सारी चीजें हम सर के पास लेकर आए थे, हमारा निवेदन है कि वो जो है उस निवेदन मतलब उस पर कार्रवाई करें और हमारी रोड डलवाएं। धन्यवाद। मैं तिवारी जी साईं सिटी से पूरे सब लोग यहाँ पर आए थे, कालो निवासी ब्रज बिहार में साईं सिटी कॉलोनी वाले और माननीय अपने नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से चर्चा किया, निवेदन किया और एक बार नहीं कम से कम हजारों बार आ चुके हैं, हजारों बार निवेदन कर चुके हैं। और दूसरी बात क्या है कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हम बनवा देंगे और उन्होंने अभी भी मना नहीं कर रहे बनवाने के लिए, हम बनवाएंगे, लेकिन क्या वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल तो जाते हैं, वो भारी परेशानियाँ हैं वहाँ पे। और तो आशा है, उनसे उम्मीद है कि हम लोगों की जो परेशानियाँ हैं उसको हल कर दें और यही जनता चाहती है। जिस वक्त भाई साहब ने हमारे चुनाव में खड़े हुए थे, उन्होंने दो बात कही थी कि हमें जिताओ और हम आपकी रोड बनवाएंगे, और कोई समस्या नहीं थी और बहुत सारे लोगों ने टैक्स में मकान का जमा करा दिया, उनकी कहने पे कर दिया। तहे दिल से उनसे निवेदन करते हैं पूरे कॉलोनी वासी इस कार्य को करवा दें और पूरी जनता इनकी बहुत बहुत आभारी रहेगी। सिर्फ बच्चों को बहुत परेशानी आ रही, कम से कम वहाँ पे गणेश मार्बल चले गए आगे चल के कम से कम घुटने से ऊपर तक पानी भर जाता है। प्रश्न ये है और कोई जरूरत नहीं है, जनता इसलिए जा रही है। मैंने कम से कम अपनी जेब से उसमें कम से कम 4-5 ट्राली खोपरा मैंने खुद डलवाया हूँ जनता के हित के लिए। तो आशा है और निवेदन करते हैं कि भाई साहब हमारी जनता की जो समस्या है उसको हल कर दें, बस यही जनता चाहती। जिस वक्त उन्होंने चुनाव लड़ा था उन्होंने यही कहा था कि हम जो है ना आप लोग मुझे जिताएं, हम आपकी रोड बना देंगे, और कोई बात नहीं थी, ना पार्किंग की कोई बात ना ही मतलब किसी तरह की सीवर लाइन की थी, लाइन है नल की लाइन भी डल गई है, अभी खुद गई है, सारी जनता परेशान है। सिर्फ निवेदन है उनसे कि सब जगह उन्होंने अच्छा काम किया है, यहाँ पर भी जनता के हित पे काम करते, जनता यही चाहती और कुछ नहीं चाहती, और अपने हित वसदत रहेंगे अपने, और उनसे हजार बार उम्मीद है कि हजार बार उनके पास आएंगे और निवेदन करेंगे उनसे। और इस वक्त भारी कष्ट है वहाँ पे बच्चों के लिए, जानवरों के लिए, गाय है ना वहाँ गिर जाती हैं, फंस जाती हैं, गाड़ियाँ माड़ी तो चलो कैसे निकल जाएंगी, गाड़ी भी निकल पा रही है लेके आगे तक भारी प्रॉब्लम है। इसलिए जनता निवेदन कर रही है, बार बार भाई साहब के पास आए हैं, बार बार आएंगे और आशा करते हैं कि अपना आना पड़े बनवा दें तो अच्छा जनता का। और ऐसी चीज़ रोडें बन गई जहाँ तो कुछ है ही नहीं, वहाँ भी रोडें बन चुकी हैं। साईं सिटी के आज लोग पार्षद के साथ ज्ञापन लेके आए, रोड नाली नल बिजली की वहाँ समस्या है, अभी 1 करोड़ की पाइपलाइन डाली जा रही है, अवैध कॉलोनी है, कच्ची मिट्टी है, ना रोड बनी ना नाली बनी, ना खम्भे ना स्ट्रीट लाइट, और खेत हैं बागड़ लगी हुई है और कृषि हो रही है, वहाँ करीबन 1 करोड़ की सड़क डलेगी, 25 से 40 लाख की नालियाँ बनेंगी, 20 लाख रुपए के खम्भे लगेंगे,
अवैध कॉलोनी है, लोग काफ़ी संख्या में नाराज होकर रोष प्रकट करते हुए लोग आए। पूरा शहर चारों तरफ कॉलोनाइजर कच्ची कॉलोनी बनाते जा रहे हैं, सड़कों का निर्माण कार्य नहीं कर रहे हैं। लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगी, जनता को कॉलोनाइजर से हिसाब लेना पड़ेगी, क्योंकि जनता प्लॉट खरीद रही है और कॉलोनाइजर कोई काम नहीं कर रहे हैं। कॉलोनाइजर का फर्ज बनता है कि रोड नाली नल बिजली की व्यवस्था करे या 40% राशि डेवलपमेंट चार्ज नगर पालिका में जमा करे। नगर पालिका में 1 रुपये की राशि भी कॉलोनाइजर द्वारा जमा नहीं की जा रही, लेकिन जनता हमारी अपनी है, जनता भगवान है, जनता के लिए हम नेतागिरी करते हैं। जनता का कष्ट हमारा कष्ट है, आने वाले कल में हम इस कॉलोनी में वो निर्माण कार जहाँ मकान बने होंगे, जहाँ अच्छी संख्या में मकान होंगे, वहाँ सड़कों का निर्माण कार्य करेंगे। मेन रोड का निर्माण कार्य इसलिए नहीं कर सकते कि एक तरफ मकान है, एक मकान छोड़कर फिर 100 फुट बाद मकान है, फिर 100 फुट बाद मकान है, सामने खेत है, बागड़ है। इसलिए किसी जमीन वाले को लाभ देने के लिए हम सड़क मेन रोड नहीं बनाएंगे। अंदर जाकर मैं स्वयं उसका परीक्षण करूँगा, पार्षद को साथ ले जाकर, पूरी नगरपालिका की टीम को, इंजीनियरों को ले जाकर मैं मौका देखूंगा। और अभी पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, सीवर लाइन और डलनी है, उसके बाद हम सड़क का निर्माण कार्य बहुत जल्दी करेंगे। पाएगा मोहल्ला में एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान मजदूर की गिरने से हुई मौत। बता दें कि जैन मंदिर के पास पाएगा मोहल्ला में एक मकान का काम करने वाले 2 मजदूर मचान टूटने से गिर गए, जिन्हें हॉस्पिटल इलाज के लिए लाया गया, जिसके बाद एक की मौत हो गई, वहीं एक और गंभीर रूप से घायल हो गया। मेरे मौसा जी थे जो जैन मंदिर के पास काम कर रहे थे, पीछे वाली गली में पारगा मोहल्ला वाली में, वहाँ पर मचान पर ऊपर काम कर रहे हुए थे, तो उधर से ऊपर से वो नीचे आकर गिर गए हुए हैं और उनको एडमिट किया था बालाजी हॉस्पिटल में, इसके बाद उनकी डेड हो गई है। और काफ़ी समय से काम करा जा रहा है। मकान किसका था? मकान बबलू महाराज, ये कपूर है जो इसके साथ भी काम कर रहा था, इनको भी लग गई है, ये भी ऊपर ही थे मचान पर। मूसा जी का नाम? प्यारे लाल जी जाटव। 45 वर्ष। कहाँ के निवासी? पुरानी चामी से मंदिर के पास। BSNL ऑफिस के सामने अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने मारी एक दुकान में टक्कर, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि आज दुकान के संचालक बाहर गए हुए थे, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि स्कॉर्पियो संचालक ने दुकानदार से उनके नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन भी दिया है। अंदर धो के वो आगे सीरीज के ब्रेक फेल हुए, वो सीरीज में आगे लग गई पीछे से। कितने बजे की घटना है ये? अभी 1.5 घंटा हो गया इसको। किसी को चोट वगैरह इसमें? किसी को चोट नहीं, पापा बाहर गए हुए थे, आज दुकान बंद थी, किसी चक्कर में किसी को चोट मोट नहीं आई। किसकी गाड़ी है पता पड़ा है? गाड़ी का ही पता नहीं, गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी का पता पड़ जाएगा उसको बता दीजिए। गाड़ी का ड्राइवर वगैरह कोई? ड्राइवर अभी कोई नहीं, गाड़ी खड़ी करके वो कहीं गए हुए हैं, वो पूरा भरपाई करने की खुद बोल रहे हैं। भारत विकास परिषद द्वारा जैस्तम चौराहे पर लगाया गया शीतल जल ग्रह। जैस्तम चौराहे पर शीतल जल ग्रह का लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक पांडे, प्रांत सह संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशिष्ट अतिथि महंत वैजनाथ पुरी, कलेक्टर राजेश जैन, राजेंद्र सिंह सलूजा, अध्यक्ष नगर पालिका मौजूद रहे। दुपट्टा उड़ाकर स्वागत करें। हाँ,
चलो बल्ले आएंगे ले तो गायत्री मंदिर में संपन्न हुआ सामूहिक विवाह सम्मेलन। इस सम्मेलन में 11 जोड़ों का विवाह कराया गया। हमारी बेटी बैठी है, वो पूजा करा रही है। गुना शहर में आज हुई एक बड़ी चोरी की घटना। बच्चे ने किया 35 लाख के कैशबैक पर हाथ साफ। गुना के जाने माने होटल राजविलास में आज एक सगाई समारोह के दौरान बड़ी चोरी की घटना हुई, जिसमें 35 लाख रुपए कैश का एक बैग चोरी हो गया। यह चोरी की घटना गुना पुलिस के लिए एक अहम चुनौती है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली इस समय सवालों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि इस चोरी की घटना को अंजाम एक 10-12 साल के बच्चे ने दिया है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या अब चोरी के लिए बच्चों का भी इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल देखा जाएगा कि अब गुना पुलिस इस मामले में कितनी तत्परता दिखाती है। ध्यान देने वाली बात एक यह भी है कि आखिर इतना कैश रखा ही क्यों गया। कैश रुपये का इस्तेमाल दहेज के लिए हो रहा था। मामा जी को दूसरा काम दे दिया, तो हमने कह दिया कि उनकी जो बच्ची थी, तो बच्ची को दे दिया, तो बच्ची हजरत लिया हो वो फिर वापिस टीका नहीं करना बंद हो गया। डीजियाना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।